रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जबलपुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां पर उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए कृषि कानून में किसानों के हित का दावा किया गया है, लेकिन सच ऐसा नहीं है। किसानों को अब अपनी फसल के भुगतान के लिए स्वयं प्रयास करने होंगे, जिससे उनके साथ धोखा होने की पूरी संभावना रहेगी। आने वाले वक्त में किसानों के लिए एक बड़ी समस्या आने वाली है, इसलिए कांग्रेस नए कृषि बिल का विरोध कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक दलित परिवार में जाकर नाश्ता करने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का दिखावा है, इससे दलितों का भला नहीं होगा। प्रदेश में जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तब शिवराज सिंह चौहान चुप क्यों रहते हैं? उन्हें सही मायनों में दलितों की रक्षा करना चाहिए। इसी तरह किसानों के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। नाश्ता करने से बात नहीं बनती है। दलितों पे हो रहे अत्याचार पर अगर आप चुप रहेंगे, मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने पट्टे मैंने अनुसूचित जाति जनजाति को बांटे थे उनमें से 70% लोगों के कब्जे सरकार ने या तो कैंसिल कर दिए, पट्टे कैंसिल कर दिए, या बड़े लोगों ने खरीद लिए। यही शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय भूमि पट्टेदारों की जमीन खरीदने के लिए कानून में परिवर्तन करके खुला कर दिया। ये नाश्ता करने से आप कौन सी हिमायत करते हैं? ये महान नौटंकी और ढोंग करते हैं, मामा बनते हैं। ऐसा मामा है जिसकी भांजियों के ऊपर आज क्या नहीं हो रहा है और क्या कार्रवाई की इन्होंने? सर, 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 देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।